हेलो दोस्तों दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपने 1997 में अमेजोन के $1,000 के शेयर खरीदे होते तो वो आज $12 लाख के हो गए होते, यानी कि 1200 गुना रिटर्न। वहीं अगर आपने नेटफ्लिक्स के 2002 में आईपीओ में शेयर्स खरीदे होते $1,000 के, तो वो आज $3.5 लाख के हो गए होते। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जितनी कंपनियां उतनी कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यूएस की कंपनीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, हम तो इंडिया में बैठे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप कैसे इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं, या आप कैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब आप लोग यूएस की कंपनीज के भी शेयर बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, या फिर आप उन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट शेयर खरीदना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके बाहर की कंट्रीज के साथ टाई अप होते हैं ताकि आप आराम से इन्वेस्ट कर सके, और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये भी है कि कुछ इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं जो इंडिया में सर्विसेज दे रही हैं, आप उनसे अपना अकाउंट खुलवाएं और इन्वेस्ट करें सीधा शेयर्स में। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या लमसम में पैसा डालें जो इन फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि अच्छी रिटर्न आपको कमा के दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं वो 5 म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टॉप 5 इंटरनेशनल फंड्स की 5 सालों की रिटर्न के हिसाब से, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एडलवाइजेस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड का, जिसने अगर आपने 1 साल पहले ₹10,000 लगाए होते तो वो 18,000 के आसपास हो गए, यानी कि 82% के आसपास की रिटर्न इसने सिर्फ 1 सालों में दे दी है, और 2 साल में वही पैसा आपका ₹24,000 हो गया, यानी लगभग 1.5 गुना की रिटर्न इसने दे दिया आपको 2 सालों में। और 3 सालों में अगर देखते हैं तो 3 सालों में अगर आपने पैसे लगाए होते ₹10,000 तो वो ₹21,000 हो गए हैं, यानी कि 110% की रिटर्न। और यही अगर आपने 5 साल पैसे लगा दिए होते तो आपकी यही रिटर्न ₹37,000 की हो गई है, यानी कि 370% की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। अब आइए दूसरे फंड पे देख लेते हैं। दूसरा फंड में नाम आता है DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड का। इसमें अगर आपने ₹10,000 लगाए होते 1 साल पहले तो वो आपके ₹14,000 हो गए हैं, वहीं 2 सालों में ये पैसा आपका 16,000, यानी कि 60% के आसपास की रिटर्न, 3 सालों में भी 14,000 के आसपास ही दिखते हैं, 48% के आसपास की रिटर्न, और अगर हम 5 सालों में देखें तो ये पैसा आपका ₹31,000 हो गया है, यानी कि 216% की रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न है दोस्तों। अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं ये इंटरनेशनल फंड्स। अब आइए देख लेते हैं तीसरा फंड कौन सा आता है इसमें। तीसरा फंड इसमें आता है PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये काफ़ी फेमस है अभी फंड, और अगर आपने इसमें ₹10,000 लगाए होते तो 1 साल में ये पैसा आपका ₹17,000 हो गया, यानी कि 72% के आसपास की रिटर्न। वहीं अगर हम 3 सालों में और 5 सालों में देखते हैं तो 3 सालों में 135% की रिटर्न दी है इस फंड ने, वहीं 5 सालों में 216% की रिटर्न दी है, यानी कि ₹10,000 जो आपने लगाए थे वो ₹31,000 हो गए। तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, अगर हम लॉन्ग टर्म 5 सालों में देखते हैं काफ़ी अच्छी रिटर्न इस फंड ने बनाकर दी है। अब चौथा इसमें नाम आता है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड का। अब इसने भी 10,000 में अगर आपने इसमें पैसे लगाए होते तो 1 सालों में ₹14,000 हो गए हैं, वहीं 2 सालों में 18,000 के आसपास चला गया वही पैसा, 3 सालों में अगर हम देखते हैं तो 20,000, यानी 3 सालों में इस फंड ने आपका लगाया हुआ ₹10,000 डबल कर दिया है। और वहीं अगर हम 5 सालों में देखें तो 5 सालों में भी इस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है, 173% तक की रिटर्न इस फंड में हमें दिख रही है। अब आइए देख लेते हैं पांचवा कौन सा फंड है जिसने अच्छी रिटर्न्स दी है। तो पांचवा इसमें फंड का नाम आता है HSBC ग्लोबल इमर्जिंग इक्विटी फंड्स का। अगर हम इसमें बात करें तो 1 सालों में ₹10,000 इसने 14,000 कर दिए, यानी कि 40% के आसपास की रिटर्न, वहीं 2 सालों में ₹15,000 हो गए हैं, और 3 सालों में 14,000, यानी कि 2-3 सालों में इसने 40 से 50% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में ₹10,000 लगा दिए होते तो वो पैसा आपका ₹25,000 हो गया, यानी कि 150% से भी ज़्यादा की रिटर्न। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5
इंटरनेशनल फंड्स जो अभी चल रहे हैं 5 सालों की रिटर्न के हिसाब से, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा रिस्की है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनसे अच्छी रिटर्न्स हमारे जो इंडियन इक्विटी वाले फंड्स हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। इंडियन इक्विटी वाले फंड्स भी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप अपने इंडियन इक्विटी के फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से आज इस फंड पे इतना ही। अगर आपको फाइनेंस से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।